आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, इफ C2HiOH एंड H2O सॉल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देन व्हिच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। देखिए आपने क्या मिलाया है, आपने मिलाया है C2H5OH एंड H2O, ठीक है। तो जो आप मिला होगा सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास एक। अब उसमें क्या होगा, देखिए पहले जो होता है ना, वाटर की एच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर की एच बॉन्डिंग क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन जब आपने मिला दोगे इन दोनों को, तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में C2HiOH भी है और वाटर भी है, इस तरह से मान लेता हूँ मैं, ठीक। तो अब जो बॉन्डिंग होगी वो ओके, जो आपके पास यहाँ पे जो ओ है वो एच बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के ओ से, और जो वाटर का एच है वो बॉन्डिंग कर सकता है हमारे पास यहाँ पे इसके ओ से, ठीक है। वाटर का ओ इसके एच से कर सकता है, इसका ओ वाटर के एच से कर सकता है। तो जो बॉन्डिंग थी हमारा नेचर था एच बॉन्डिंग का वाटर वाटर के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग था। अब चूंकि यहाँ पे बीच में ये आ गया है, तो बॉन्डिंग का नेचर हमारा खराब हो चुका है। अब जो बॉन्डिंग है वो खराब हो चुकी है। अब बॉन्डिंग अगर खराब हो रही है तो मॉलिक्यूल हमें ज़्यादा ऊपर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉन्डिंग अभी ज़्यादा ऊपर जाने का मतलब क्या है, वेपोरेशन जल्दी होगा, तेजी से होगा। रीजन क्या है, क्योंकि बॉन्डिंग हमारी जो पहले थी अब उससे खराब बॉन्डिंग अब हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो देखिए, इन केस ऑफ आइडियल, आइडियल केस में क्या होता है, आपके पास आइडियल केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, तो ए का वेपर बनेगा, बी का भी वेपर बनेगा, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर आएगा ए का, वो प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है लिक्विड फेज में, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा पार्शियल प्रेशर आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका इक्वेशन बन के आई है, इसी को बोलते हैं रॉल्स लॉ बेसिकली, ठीक है। अब पी बी कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारे पास आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो टोटल प्रेशर कितना बनेगा, टोटल प्रेशर हमारे पास आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारे पास आएगा टोटल प्रेशर, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई सोल्यूशन इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन। ग्राफ किस तरह का बनता है, देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ है प्रेशर, वेपर प्रेशर, इस तरह से। तो ग्राफ हमारा देखिए, जिसका मोल, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होता है। मैं इसे ले लेता हूँ, तो एक ऐसे ले लिया मैंने यहाँ पे, और एक मैंने इस तरह से ले लिया। तो ये जो ग्राफ आता है, ये आता है पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का, ये ग्राफ हमारा निकल के आता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ग्राफ आ रहा है ये पी नॉट ए एक्स ए का, और ये ग्राफ आ रहा है हमारा पी नॉट बी एक्स बी का। तो ये हमारा हो गया आइडियल केस में, ठीक। लेकिन अगर मैंने आपको बताया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, रीज़न क्या है, बॉन्डिंग हमारी वीक हो रही है दोनों को मिलाने के बाद, तो इस केस में जो बॉन्डिंग प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ जो टोटल प्रेशर आएगा थोड़ा ज़्यादा आएगा, ग्राफ हमारा इस तरह का निकल के आता है। फिर ये हो गया इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं लोग पॉजिटिव डेविएशन, तो इंडिविजुअल भी ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह हमारा ग्राफ बन के आता है कुछ, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के आएगा इस तरह से, तो सारे प्रेशर बढ़ जाएंगे हमारे पास, इंडिविजुअल भी टोटल भी, तो वो हमको दिया हुआ है इसमें, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।